इसराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना दो मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रही है। एक तरफ जहां IDF गाजा में हमास से जंग लड़ रही है, वहीं उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला के साथ जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे IDF गाजा में हमले तेज कर रही है, वैसे वैसे हिजबुल्ला भी उत्तरी इसराइल पर अपने हमले तेज कर रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच इसराइल लेबनान के बीच सीधे युद्ध का खतरा बढ़ गया है, और इसी कड़ी में कुछ जानकार इस खतरे की चेतावनी पहले ही दे रहे हैं। इसको लेकर इसराइल की पॉलिसी प्लानिंग ब्यूरो की हेड डिट्ज़ा का कहना है कि हम ये समझते हैं कि यदि युद्ध नहीं होता है तो जो कुछ गाजा में हुआ वो दोबारा हो सकता है, यानी कि 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमास का हमला दोबारा हो सकता है। दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि यदि युद्ध होता है तो वो बड़ा होगा और इस युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक और नागरिक मारे जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तरी इसराइल बॉर्डर के शेबा फार्म्स और गोलन हाइट्स में लगातार हिजबुल्ला हमले कर रहा है, और इसराइल ने हिजबुल्ला से इन हमलों को रोकने के लिए कहा है। इसराइल ने हिजबुल्ला से उत्तरी इसराइल की लितानी नदी के आसपास से फोर्स हटाने के लिए कहा है। बड़ी बात यह है कि इस इलाके से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पर संयुक्त राष्ट्र की सेना बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करती है, लेकिन हिजबुल्ला को लेकर इसराइल का कहना है कि अगर हमास के साथ संघर्ष विराम होता है तो भी उत्तरी बॉर्डर पर इसराइल के ऑपरेशन नहीं रुकेंगे। इसको लेकर पिछले हफ्ते ही इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि गाजा संघर्ष विराम इजरायली सेना को उत्तर में ऑपरेशन चलाने के लिए रोक नहीं पाएगा। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि अगर इसराइल का हमास के साथ सीज फायर होता है तो वो हिजबुल्ला पर हमला करने के लिए लेबनान में घुस सकता है, लेकिन हिजबुल्ला के लिए ये युद्ध इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ जितने भी युद्ध लड़े हैं वो सभी युद्ध हारा है। आपको बता दें कि 14 अगस्त 2006 को इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला किया था, और उस दौरान IDF लेबनान के भीतर घुस गई थी, और इस युद्ध में भी हिजबुल्ला को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर हिजबुल्ला पर इसराइल हमला करता है तो क्या वो अपनी रक्षा कर पाएगा? तो आपको बता दें कि ईरान के इशारे पर ही हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है, या यूं कहें कि हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ ईरान का ही एक मुखौटा चेहरा है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी हिजबुल्ला को इसराइल पर हमले तेज करने की छूट मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसराइल और हिजबुल्ला में युद्ध छिड़ता है तो ईरान के हथियार इसराइल के खिलाफ काफी अहम साबित होंगे।